उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में दंतिया में साइबर ठग के मकान में चला योगी का बुलडोजर। आपको बताते चलें कि देश में साइबर ठगी के लिए जाने माने वाला गांव दंतिया पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में है। आज दंतिया गांव में एक साइबर ठग के मकान में बरेली विकास प्राधिकरण ने द्वारा ध्वस्त किया गया। बताया जाता है कि साइबर पर देश के कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। बरेली के SP देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि दंतिया गांव के रहने वाले साइबर ठग जमशेद खान एक सातिर किस्म का अपराधी है। जमशेद खान पर बरेली के इज्जत नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। साथ ही जमशेद खान देश के कई प्रांतों में मुकदमे दर्ज हैं। बताया जाता है कि जमशेद खान ने अपना मकान नियम विरुद्ध तरीके से बगैर नक्शा पास किए बनाया था। जमशेद खान के मकान पर बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस जमशेद खान के तारों को खंगालने में लगी हुई है। बरेली से अशोक गुप्ता की एक रिपोर्ट। के अंतर्गत ग्राम दंतिया मैं आज बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक जमशेद नाम के साइबर ठग का मकान सिटी प्लानिंग के तहत नहीं बनाया गया था, उसके ध्वस्त करने के लिए फोर्स की डिमांड करी गई थी, जिसके तहत जो है हम लोगों ने ध्वस्तीकरण के लिए उनको फोर्स उपलब्ध कराया है। और ये भी जानकारी में आया है कि जमशेद एक सातिर साइबर ठग है, जिसके ऊपर जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर में तथा भारत के कई प्रांतों में साइबर ठगी के मुकदमे पंजीकृत होने की बात जानकारी में आई है। ठीक है।